नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात उस खेल की जो यूपी के शिक्षा विभाग में चल रहा है। शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों का एक ऐसा खेल चल रहा है जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोग नौकरी पा चुके हैं। अब एसटीएफ उसकी जांच कर रही है और उन सब की गिरफ्तारी होनी तय है। दरअसल यूपी में फर्जी तरीके से शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए तमाम तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन 8 वो तरीके हैं जिनके जरिए तमाम लोगों ने न सिर्फ नौकरी पाई बल्कि सालों से तनख्वाह भी ले रहे हैं। हम आपको बताएंगे कौन है वो 8 तरीके। सबसे पहला तरीका वो है जिसमें दूसरे के कागजातों के आधार पर फर्जी तरीके से लोगों ने नौकरियां पा ली, यानी अनामिका जैसा केस जिसमें उसके कागजात पर 25 टीचरों ने नौकरी न सिर्फ पाई बल्कि सरकार से तनख्वाह लेते रहे। इसके अलावा तमाम ऐसे दस्तावेज झूठे लगा दिए जिससे या तो उनको आरक्षण मिल गया या तो फिर नौकरी पाने के लिए छूट मिल गई। इस तरीके का भी खूब इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा काउंसलिंग के वक्त दूसरे लोगों को शामिल करके भी फर्जीवाड़ा किया गया। इसके अलावा तमाम लोगों के वेरिफिकेशन नहीं किए गए, यानी विभाग की मिलीभगत से ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गई जिनके कागजातों की अगर जांच होती तो वो नौकरी नहीं पा सकते थे। इसके अलावा भी तमाम ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए लोगों ने नौकरी पा ली और अब एसटीएफ की जांच में वो शिकंजे में फंसने वाले हैं। इस बारे में एसटीएफ ने एक शासन को रिपोर्ट भी भेजी है जिसके मुताबिक ऐसे फर्जी शिक्षकों की संख्या 5,000 के आसपास हो सकती है, यानी इतने ज्यादा लोग जिनके चलते तमाम लोग नौकरी पाने से छूट गए। दरअसल एसटीएफ 2018 से ही इस मामले की जांच कर रही थी जिसमें कई गिरफ्तारियां अलग अलग जिलों में हुई, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि सिर्फ कागजातों के आधार पर ही नौकरी नहीं पाई गई बल्कि विभाग की मिलीभगत से ऐसे ऐसे कानून की धज्जियां उड़ाई गईं कि ऐसे लोग नौकरी पा गए जो किसी भी लायक नहीं थे। इन लोगों के नौकरी पा जाने से सरकार का राजस्व का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन लोगों का जो मेहनत करके नौकरी पाना चाहते थे लेकिन इस फर्जीवाड़े के चलते नौकरी पाने से वंचित रह गए। अब अनामिका का मामला सामने आने के बाद एसटीएफ ने अपनी जांच और तेज कर दी है। इस मामले में कई टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जिलों में कागजातों को खंगाल रही हैं जिससे कि साफ हो सके कि आखिरकार कौन असली है और कौन नकली। इस पूरे फर्जीवाड़े को पकड़ने में एसटीएफ की जाँच के साथ साथ डिजिटलाइजेशन का बेहद महत्वपूर्ण रोल है। इसी की वजह से तमाम वो दस्तावेज सामने आ सके जो फर्जी तरीके से जमा किए गए थे और उनका इस्तेमाल नौकरी पाने के लिए किया गया था। इसके अलावा बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट की मदद से भी तमाम लोगों को पहचाना गया। अब इन लोगों की धरपकड़ जारी है और तमाम गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं। तो जो लोग फर्जी कागजातों और फर्जी तरीके से नौकरी पा चुके हैं उनके लिए एक सलाह है कि वो देर सवेर पुलिस के शिकंजे में जरूर फंसेंगे, क्योंकि जिस तरह की जाँच चल रही है उससे उन लोगों की पहचान होनी तय है और वो जेल जाने ही वाले हैं। तो फर्जी शिक्षकों के घोटाले के मामले में ये थी हमारी आज की खास पेशकश। बाकी प्रदेश की ताज़ा तरीन और शानदार खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।